मैं डेली लिंक पर दस दस बीस बीस लोगों को मैसेज करती थी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आई हुई है कोई जॉब होगी कोई इंटर्नशिप होगी तो मुझे बताना मुझे जो ऑल इंडिया रैंक आई है मैं अब तक घर पर ही बैठी हुई थी काफी डिप्रेसिंग मुझे आते थे कि मेरे ऑल इंडिया रैंक का क्या वर्थ है मैं बस जॉब यूट्यूब जॉब यूट्यूब यही कर रही थी तो जो मेरा सपना था सी के टाइम पे कि मैं ऑफिस जाया करूंगी नए नए लोगों से मिलूंगी मेरे ओपिनियंस बोर्ड मेंबर्स के साथ शेयर मेंूंगी वो सिर्फ एक सपना ही रह गया क्या जॉब के साथ हम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं और क्या जॉब में इतनी इनकम नहीं मिलती कि आजकल सारे लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा हेलो एवरीवन मेरा नाम नेहा पटेल है एंड मेरी कहानी का ये साइड तो आप सभी को पता होगा कि मैं एक सीएस एस हूँ एक ऑल इंडिया रैंकर हूँ एक यूट्यूबर हूँ और एक लॉयर भी हूँ बट इसके पीछे की स्ट्रगल्स और इसके पीछे के सेक्रीफाइजिस और ये सब मैंने कैसे किया इस साइड का कहानी किसी को नहीं पता है एंड यही कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ सो so, मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं पाँच साल की थी तो मेरे मम्मी पापा ने स्कूलिंग नहीं की है उनको मौका नहीं मिला कि वो स्कूल जा सके बट उनका सपना था कि जो भी उनके बच्चे होंगे उनको वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाए और इंग्लिश मीडियम में डाले तो मेरे भैया और मेरी बहन और मुझे तीनों को ही पापा ने इंग्लिश मीडियम में डाला एंड बचपन से ही मैं अपने भैया और बहन को देखती आ रही हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो कहते हैं ना चैरिटी बिगेंस एट होम तो इसी तरीके से मैंने सीखा कि यार पढ़ाई करनी चाहिए पढ़ाई अच्छी होती है तो मैं पढ़ती गई और मुझे मार्क्स अच्छे आते गए बट धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और मेरी टीनेजर एज आ गई अब मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया क्योंकि मुझे दोस्त मिले एंड मुझे आ गया पीयर प्रेशर मुझे लगा अगर मुझे दोस्ती रखनी है तो मुझे इन लोगों के साथ डेली बाहर घूमना पड़ेगा कैफ़े जाना पड़ेगा क्लब्स जाने पड़ेंगे और बस घूमना शूमना ये सारा स्टार्ट हो गया और पढ़ाई इसके चलते मेरी पीछे रह गई एंड मेरे मार्क्स कम आना स्टार्ट हो गए तो मुझे इस चीज़ का सबक बहुत जल्दी मिल चुका था जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आ गई क्योंकि जब मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों की ज़रूरत थी उस टाइम पर वो लोग मेरे साथ नहीं थे तब मुझे समझ आ गया था कि यार सब धोखा दे देंगे बट पढ़ाई धोखा नहीं देगी एंड दोबारा मैंने पढ़ाई पर मेरा फोकस ला दिया बट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में क्या होता है ना आपके आसपास बहुत प्रेशर होता है एंड सब यही बोलते हैं कि जो परसेंटेज आपको चाहिए वो आप दीवार पर लगा दो एंड हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं इसके चलते तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई थी मेरे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में कि यार मुझे तो नाइन्टी वन परसेंटेज लाना है नाइन्टी वन परसेंटेज लाना है खुद से एक्सपेक्टेशंस करना बहुत स्टार्ट कर दिया था बट जब ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आया तब जो मैंने खुद से एक्सपेक्ट किया था वो मुझे नहीं आया था मुझे आई थी एटी फोर परसेंटेज जो मेरे एक्सपेक्टेशन्स थे वो पूरे नहीं हो पाए वो मुझे एक्चुअल में तैयार कर रहे थे मेरे प्रोफेशनल जर्नी के लिए क्योंकि ट्वेल्थ के बाद ही मैंने मेरे सी एस की जर्नी स्टार्ट की फाउंडेशन की जब मैंने पढ़ाई की तब मेरे माइंड में ये था कि मुझे रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है मुझे बस पढ़ाई पर फोकस करनी है एंड फिर मुझे फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक एटीनथ आई तब मुझे समझा कि शायद मेरा अप्रोच सही है एग्जीक्यूटिव में भी मैं इसी तरीके से पढ़ाई करने लग गई एंड एग्जीक्यूटिव में भी मुझे ऑल इंडिया रैंक नाइन्थ आई जब मेरी प्रोफेशनल की जर्नी स्टार्ट हुई प्रोफेशनल भी मैंने क्लियर कर लिया था फेब 2020 में एंड मुझे उसमें ऑल इंडिया रैंक थर्टींथ आई हुई थी तो मेरी ग्रेजुएशन के पहले ही मेरा प्रोफेशनल कोर्स यानी कि सी कंप्लीट हो चुका था एंड आई वॉज अ सी एट द एज ऑफ ट्वेंटी सो दोस्तों मेरी ये सारी जर्नी सुन के आपको लग रहा होगा कि यार इसकी तो जर्नी बहुत बढ़िया है ऑल इंडिया रैंक भी आ चुकी है अब इसको अच्छा सा पैकेज मिल गया होगा बट मेन कहानी तो अभी शुरू होती है भले मुझे ऑल इंडिया रैंक आई है बट मेरे स्ट्रगल्स अभी स्टार्ट होते हैं फेब 2020 में मैं क्लियर हुई थी बट मेरे कोई भी कॉरपोरेट बैकग्राउंड में ना मेरे फैमिली मेम्बर्स थे ना मेरे दोस्त थे तो मुझे कैसे अप्रोच करना है कंपनीज़ को ये मुझे नहीं आता था तो मैं डेली लिंकटिन पर दस दस बीस बीस लोगों को मैसेज करती थी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आई हुई है कोई जॉब होगी कोई इंटर्नशिप होगी तो मुझे बताना इस तरीके से मुझे एच डी एफ सी लिमिटेड में अपॉर्चुनिटी मिल गई मैंने वह इंटरव्यू दिया एंड मुझे वह अपॉइंट भी कर लिया विद अ स्टाइफेंड ऑफ एटीन थाउजेंड पर मंथ बट मेरी जॉइनिंग की डेट थी ट्वेंटी फिफ्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ था तो जिसके चलते मेरी जॉइनिंग काफ़ी डिले हो गई क्योंकि एच डी एफ से लिमिटेड में वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी नहीं थी तो मार्च का महीना निकल चुका था अप्रैल का महीना भी निकल चुका था मैंने एच वालों से कॉन्टैक्ट किया मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होगा आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो उन्होंने कहा हमारे ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है बट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हम आपको ज़रूर अपॉइंट कर लेंगे एंड इसी तरीके से मैंने वेट किया फिर फिर अप्रैल का महीना निकला मई का महीना निकला जून का महीना निकला जुलाई का भी महीना निकल गया बट मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे जिनको ऑल इंडिया रैंक भी नहीं आई थी वो अपॉइंट भी हो चुके थे उनकी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो चुकी थी उनकी इनकम भी स्टार्ट हो चुकी थी एंड मुझे जो ऑल इंडिया रैंक आई है मैं अब तक घर पे ही बैठी हुई थी काफ़ी डिप्रेसिंग थाट्स मुझे आते थे कि मेरे ऑल इंडिया रैंक का क्या वर्थ है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नई कंपनी ढूंढूंगी बट दैट वॉज नॉट ईजी बिकॉज कोविड का टाइम था जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और या तो मैं इंटर्नशिप ढूंढ रही थी बट मैंने हार नहीं मानी जितने भी कॉन्टैक्ट थे मैंने सबको कॉल लगाया सबको मैसेज किया ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है जुलाई में मैंने स्टार्ट किया एंड सेप्टेंबर में जाके मुझे टाटा कैपिटल लिमिटेड में अपॉर्चुनिटी मिली एंड तब मेरी सेप्टेंबर फर्स्ट 2020 में मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है बारह महीनों की बट इट वॉज कम्प्लीट वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप तो जो मेरा सपना था सी के टाइम पे कि मैं ऑफिस जाया करूँगी नए नए लोगों से मिलूंगी मेरे ओपिनियंस बोर्ड मेंबर्स के साथ शेयर करूँगी वो सिर्फ एक सपना ही रह गया बिकॉज मेरी स्टार्ट ही वर्क फ्रॉम होम्स हुई बट ठीक है मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया पॉजिटिवली एंड मैं मेरा काम करती गई बट यार ये वर्क फ्रॉम होम था तो इतना लोड होता नहीं था मुझे काफ़ी फिर बोर होने लग गया कि मैं मेरे जो फ्री टाइम बच रहा है उसमें क्या करूँ सो so, मैंने सोचा चलो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया स्टार्टिंग के एक दो वीडियोस में मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं बट फिर मैंने देखा कि शायद मैं कंटेंट वो नहीं डाल रही जो ऑडियंस को चाहिए तो मैंने मेरा लिंक ओपन किया एंड एक दिन मैंने देखा कि मेरे लिंक पर ना काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि दीदी आपको ऑल इंडिया रैंक कैसी आई तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं तो मैं मुझे कुछ पता नहीं था कैसे वीडियो बनाते हैं मैंने मेरे बेड के सामने चेयर रखी चेयर के ऊपर पिलो रखा पिलो के ऊपर मेरा ओप्पो का फ़ोन था उस टाइम पे वो भी पोर्ट्रेट मोड में रख दिया एंड मैं बस बोलती गई और मैंने वो अपलोड कर दिया बट वो वीडियो हिट हुआ एंड मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला बट बच्चों के काफी डिमांड थे बच्चों के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि नेहा दी आप ना अच्छे क्वालिटी से वीडियो शूट किया करो और रिंग लाइट लगाया करो तब मैंने थोड़ी रिसर्च की कि यार वीडियो कैसे बनाते हैं तब मुझे समझा कि वीडियो लैंडस्केप में बनाया करते हैं एक रिंग लाइट चाहिए होती है कैमरा स्टैंड चाहिए होता है तो मैंने सोचा इसके लिए तो मुझे इनकम चाहिए होगी अच्छी खासी क्योंकि इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव बट मेरी यूट्यूब से इनकम थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी थी मैंने अप्रैल ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन को मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी एंड विद इन वन मंथ मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया था तो मुझे एडसेंस से रेवेन्यू आ जाता था एंड टू मंथ्स में मुझे ब्रांड ने भी अप्रोच कर लिया था तो करीब करीब आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ मुझे उस टाइम पे इनकम मिल जाती थी तो मैंने सोचा कि मैं इसी इनकम से कैमरा स्टैंड भी खरीदती हूँ रिंग लाइट भी ख़रीदती हूँ और मैंने डी भी फिर ख़रीद लिया यूट्यूब के इनकम से तो धीरे धीरे मेरा यूट्यूब ग्रो होता गया बट फिर मुझे याद आया कि जो मुझे इंटर्नशिप के टाइम पे हरेसमेंट हुई थी जॉब ढूंढने में वो मुझे अब इंटर्नशिप ख़त्म होता है तब नहीं चाहिए इसलिए जुलाई से जुलाई 2021 से ही मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था बट मार्केट में कोविड चल रहा था तो जॉब मिलना डिफ़िकल्ट था बट मुझे एक प्राइवेट कंपनी मिली मैंने सोचा कि मैं इस प्राइवेट कंपनी में जाती हूँ बिकॉज वो कंपनी आई ला रही थी सो so मुझे मेरे इंटर्नशिप ख़त्म हो उसके पहले मेरे हाथ में एक जॉब तो थी बट वो प्राइवेट कंपनी थी तो मैंने मेरे दोस्तों से एडवाइस ली मेरे फैमिली मेम्बर्स से एडवाइस ली दे व लाइक कि देख यार तू दो चीज़ गलत कर रही है एक तो तू यूट्यूब करना कंटिन्यू करने का सोच रही है तो तेको यूट्यूब छोड़ना चाहिए और अब ते को कम्प्लीटली जॉब पे फोकस करना चाहिए क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनल और दूसरी चीज उन्होंने मेरे को बोली कि तू प्राइवेट कंपनी में मत जा पैकेज भी कुछ इतना अच्छा ऑफर नहीं कर रहे थे मुझे तू एक अच्छी लिस्टेड कंपनी ढूंढ बट पता नहीं मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी जो मेरा दिल चाह रहा था मैंने वही किया मैंने सोचा मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूंगी यूट्यूब के वीडियोस भी बना लूंगी और जॉब भी कर लूंगी उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है बट मुझे पता था कि मेरे को दोनों चीज़ करनी है तो सेप्टेम्बर ट्वेंटी वन में मेरा ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई इट वॉज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड डेली ऑफिस जाना होता था क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस होता था ये तो YouTube पे थोड़ा सा अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया लाइक मैं घर पे आती थी सात आठ बजे तक उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियोस को शूट करती थी एंड फिर एडिट भी तब मैं खुद ही करती थी तो रात के एक दो बज जाते थे तो ऐसे मेरा डेली स्कड्यूल स्टार्ट हो गया एंड IPO का काम था तो IPO का लोड भी चल रहा था तो मुझे याद है एक टाइम ऐसा आया था कि मैं पड़ गई थी बीमार और मैं दो दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं बस जॉब यूट्यूब जॉब यूट्यूब यही कर रही थी तब मुझे समझा कि नहीं मुझे खुद पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बट फिर भी जैसे मैं रिकवर हुई उसके बाद मैंने दोनों छोड़ा नहीं मैं फिर भी दोनों ही करती रही बट खुद पे थोड़ा ध्यान रख के तो मेरे कंपनी में आईपीओ की प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई अब आईपीओ में क्या होता है ये एक महीने की प्रोसेस नहीं होती है इसमें सबसे पहले आपको सेबी के साथ डी फाइल करनी होती है फिर सेबी का अप्रूवल आता है उसके ऑब्जर्वेशंस आते हैं उस पर रिप्लाई करना होता है उसके बाद आप यू फाइल करते हो फिर आर फाइल करते हो फिर प्रोस्पेक्टस फाइल करते हो एंड तब जाके आपका आई आता है एंड ये सब प्रोसेस में एक या दो साल तो लग ही जाते हैं एंड उसमें आपको बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं लॉयर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं कम्पलाइंट्स एंड फिनांस टीम का सबसे ज़्यादा रोल होता है आई में एंड मैथी कम्प्लाइंस डिपार्टमेंट में तो हमें रात के डेली एक या दो तो बज ही जा रहे थे आई के काम में एंड उसमें मेरा यूट्यूब पे फोकस थोड़ा सा हिल गया था बट मुझे पता था कि ये टेम्पररी है एक टाइम पे आईपीओ आ जाएगा उसके बाद मेरा वापस से यूट्यूब पर ध्यान हो जाएगा इस आई पी ओ जर्नी में मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो था पेशेंस क्योंकि आई पी ओ जैसे कि मैंने मैंशन किया एक महीने का जर्नी नहीं होता है इसमें बहुत अप्स एंड डाउनस आए थे क्योंकि डिमांड एनालाइज करना होता है जो हम वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वो वैल्यूएशन मार्केट से मिलना मुश्किल होता है तो वो वैल्यूएशन के साथ क्या आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो ये सारा प्रमोटर का कॉल होता है तो उसमें हम बस प्रमोटर को हेल्प कर सकते हैं बैंकर्स लॉयर्स बस हेल्प कर सकते हैं एट द एंड वो प्रमोटर का कॉल होता है तो एक टाइम पर ऐसा हो चुका था कि छोड़ो हम आई नहीं लाते क्योंकि जो हम सोच रहे थे वैसा हमें नहीं मिल रहा था बट फिर दोबारा हमने रिस्टार्ट किया तो ये सारा कन्फ्यूजन था बट फिर भी हम अडे रहे और हमने आईपीओ ला लिया नवंबर सितंबर 2021 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी सितंबर 2022 को डीआरएचपी फाइल हुआ था एंड नवंबर 2023 में इस कंपनी की आईपीओ आई थी आई से एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई थी कि मेरे कनेक्शंस बन गए थे बहुत सारे क्योंकि आपको रेगुलरली टच में रहना पड़ता है बैंकर्स के और लॉयर्स के आई के जो कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और बहुत सारे एक्सपोर्ट्स और कंसल्टेंट्स हैं तो इससे मेरे मार्केट में कनेक्शंस काफ़ी अच्छे बन चुके थे तो जो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तू तो इस कंपनी में मत जा ते को नहीं सीखने मिलेगा बट मैं काफ़ी अच्छा उनसे सीख रही थी एंड मेरी कनेक्शंस काफ़ी अच्छे बिल्ट हो गए थे नेचुरली आई का प्रोसेस करते करते साइड बाय साइड मैं मेरे यूट्यूब पर भी ध्यान तो दे ही रही थी यूट्यूब के वीडियोज़ भी बना ही रही थी तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे सैलरी से ज़्यादा मेरे यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट हो गई थी तो यूट्यूब में इतनी सारी पोटेंशियल है मुझे बाद में पता चली क्योंकि मेरा मोटिव कब भी यूट्यूब स्टार्ट करने का ये नहीं था कि मुझे रेवेन्यू मिले मुझे बस पसंद था यूट्यूब वीडियोज़ बनाना बच्चों से कनेक्ट करना इसलिए मैं बनाती थी बट एक टाइम ऐसा आ गया कि सैलरी से ज़्यादा मेरे को यूट्यूब की अर्निंग्स मिल रही है और वो भी कंसिस्टेंटली तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि क्या करें अब जॉब कंटिन्यू करें या ना करें कि सिर्फ यूट्यूब ही करें क्योंकि यूट्यूब से तो अर्निंग हो रही है अच्छी खासी एंड मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है जॉब छोड़ देते हैं यूट्यूब ही करते हैं बट But... मैंने बहुत सोचा उसके बाद मुझे पता चला कि YouTube की, की इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती है किसी महीने आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं किसी महीने आपको अच्छे ब्रांड्स नहीं मिलते तो अप्स एंड डाउन चलता रहता है एंड मुझे ये रिस्क इस एज में नहीं लेना था एंड मुझे प्रोफेशनल एक्सपोजर भी चाहिए था बट इस टाइम पर मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था तो मुझे इस टाइम जॉब ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पास एक्सपोजर था तो जो उस टाइम पर मेरे स्ट्रगल्स थे कि मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड नहीं है इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने उस टाइम पे सही डिसीजन लिया ब्लू जेट हेल्थ केयर को ज्वाइन करने का तो जो हमें कभी कभी लगता है कि यार ये मुझे क्या ही करके देगा इसमें पैसे कम है ऐसे नहीं होता है सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो उस टाइम पर जो मेरे दोस्तों ने मुझे एडवाइस दी थी कि तू यूट्यूब छोड़ दे या तो तू प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन मत कर अगर मैं उस टाइम पर उनकी एडवाइस मानती तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं खड़ी होती क्योंकि YouTube के चलते ही मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मुझे इवेंट्स में बुलाया जाता है एज अ स्पीकर बिकॉज ऑफ माई YouTube बैकग्राउंड तो मुझे कभी कभी लगता है कि आपको आपके आसपास की नहीं खुद की भी सुन लेनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या बेटर है तो मेरा जो स्टॉक्स में आने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आप जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपने थान लिया है कि आपको दोनों करना है तो दोनों आराम से हो सकता है क्योंकि अगर मैं कर सकती हूं तो आप लोग भी कर सकते हो किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की आपके डिसीजन की और जोश की हमें पता है हम काबिल हैं पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला तो आइए अपने हालातों को हरा कर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है पर कैसे यह जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें